सोमवार व्रत की कहानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। किसी नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उसको एक बड़ा भारी दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में दिन रात लगा रहता। पुत्र की कामना से प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और पूजन करता। शाम को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी महाराज शिव से बोली कि हे महादेव, ये साहूकार आपका बड़ा भक्त है, सदैव आपका व्रत करता है, पूजन करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान जैसा बीज खेत में बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह से संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तब पार्वती जी कहने लगी, महादेव जी, जब यह आपका भक्त है और अगर इसे किसी बात का दुख है तो आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भविष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। तब पार्वती जी का आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, पार्वती जी, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में दुखी रहता है, पुत्र की कामना से मेरा व्रत और पूजन करता है। आप कह रही हैं तो इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर दे देता हूँ, पर यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिव पार्वती जी की ये सब बातें साहूकार ने सुन ली थी। ये सब सुनकर उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। पहले की तरह ही शिवजी महादेव का पूजन करता रहा और व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, पर साहूकार को तो पता था यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसीलिए ना तो वह प्रसन्न हुआ और ना ही उसने ये बात किसी को बताई। जब वो बालक 11 साल का हो गया तब उसकी माता कहने लगी कि हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तब साहूकार बोला, नहीं, अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी तो मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। तब उस साहूकार ने उस बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहने लगा, इस बालक को काशी ले जाओ पढ़ने के लिए। रास्ते में जिस रास्ते से जाओ, जहां पर भी रुको, वहां पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर में रुके। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का, जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख लिया तो कन्या के माता पिता विवाह में अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण उन्होंने जब अति सुंदर साहूकार के लड़के को देखा तो मन में सोचने लगा, क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से ही वर का काम चलाया जाए। ऐसा सोचकर वर के पिता ने लड़के और मामा से बात की, वे राजी हो गए। लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। सारा काम प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लूं तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर फिर लड़के और मामा से बात की कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करा देंगे तब आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब विवाह का कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तब उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है, मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता को पता चला तब उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात खाली ही वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन मामा ने यज्ञ कर रखा था। तब लड़का मामा से कहने लगा,
मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मरा पड़ा है, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणों को विदा किया और रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी, तब पार्वती जी कहने लगी, महादेव जी, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। शिव जी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मरा पड़ा था। तब पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। इस बालक को तो और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने जब बार बार आग्रह किया, तब शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। अब शिव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। लड़का और मामा उसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर आने लगे। रास्ते में उसी शहर में रुके जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तब लड़के के ससुर ने उसको तुरंत ही पहचान लिया। उसे अपने महल में ले गया, उसकी बड़ी खातिरदारी की, बहुत से दास दासियों, बहुत सा धन देकर अपनी लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए, तब मामा कहने लगा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। तब लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस आया तब तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो यही छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। तब लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ रहा है। तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ, बहुत से दास दासियों के साथ, बहुत सा धन लेकर आ रहा है। तब सेठ के आनंद की सीमा नहीं रही। उसने बड़े आनंद से सबका स्वागत किया और फिर सेठ, सेठानी और उनका लड़का बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी की ओर चले। उन्हें जाता देखकर पार्वती मैया बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तब महादेव कहने लगे कि पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महादेव जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ कहने लगे, नहीं पार्वती जी, तुम साथ में चलकर क्या करोगी, थक जाओगी, तुम्हें भूख प्यास सताएगी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। महादेव जी ने बहुत समझाया पर पार्वती जी साथ चलने की जिद करने लगी। तब महादेव और पार्वती दोनों पृथ्वीलोक पर पहुंच गए। घूमते घूमते पार्वती जी थक भी गई और उन्हें भूख भी लगने लगी। वह कहने लगी, महादेव जी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। तब महादेव जी बोले, पार्वती जी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि आप मत चलो, आपको भूख प्यास सताने लगेगी, पर आप माने ही नहीं। चलो अब आगे चलो, देखते हैं क्या होता है। आगे चले तो एक घर दिखाई दिया। उसका दरवाजा खटखटाया। एक सेठानी बाहर आई, पूछने लगी, बोलो क्या चाहिए? तब महादेव जी बोले कि हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो यह सुनकर सेठानी बिगड़ गई और कहने लगी, अगर दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों ना रही। ऐसा कहकर वो तो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गई। महादेव पार्वती आगे चले। आगे जाकर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। उससे कहने लगे, बुढ़िया माई, हमारी पार्वती जी को भूख लग रही है, उन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, आओ महाराज बैठो। बुढ़िया माई ने महादेव पार्वती बिठा दिए और खुद लोटा परात लेके चल दी। महादेव जी ने देखा तो कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? तो वह कहने लगी, दूध चावल खांड लेने जा रही हूँ। तो महादेव जी बोले, घर के अंदर जाकर देख। तो बुढ़िया माई अपने घर के अंदर गई।
देखा तो दूध चावल और खांड के बर्तन भरे पड़े हैं। बुढ़िया माई अंदर गई और भिकोना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी को भोग लगा दिया। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज अब इस बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे घर में तो कोई भी नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि बुढ़िया माई तू आंख बंद कर। महादेव जी के कहने पर बुढ़िया माई ने आंख बंद कर ली। तब महादेव जी बोले, बुढ़िया माई अब अपनी आंख खोल कर देख। जब बुढ़िया माई ने आंख खोल कर देखा तो उसके घर में बहुत परिवार हो रहा था। बेटा बहू पोते पोतियों से पूरा घर भरा पड़ा था। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज इतने बड़े परिवार को कहाँ रखूं, मेरे तो ये एक छोटी सी झोपड़ी है। तब महादेव जी ने झोपड़ी को एक लात मारी और झोपड़ी महल बन गई। अब बुढ़िया माई खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। सेठानी के घर खीर देने गई। सेठानी कहने लगी, तेरे घर खीर कहाँ से आई। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कुटिया में महादेव पार्वती आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब धन हुआ है। तब सेठानी कहने लगी, अरे मेरे घर का धन तेरे घर में दे दिया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे को तो महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से मिला है, मुझे तो कुछ नहीं पता। अब सेठानी भागी भागी महादेव पार्वती के पीछे गई। उनके पास जाकर बोली, महाराज मेरा धन बुढ़िया को क्यों दे दिया। तब महादेव बोले कि मैंने तो उठाया ना रखा, तूने ना कही इसीलिए तेरे ना हो गई, उसने हाँ कही इसीलिए उसकी हाँ हो गई। अब तो वो महादेव जी के पैर पकड़कर खड़ी हो गई। बोले, महाराज कुछ तो दो। तब महादेव जी बोले, जा तेरा काम रुकेगा नहीं, धन तेरा जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती जी कैलाश पर चले गए। हे भोलेनाथ, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।